हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ गांठ गोभी की रेसिपी और साथ में मैं ब्राउन राइस भी सर्व करूँगी। आगे की रेसिपी मैं अभी बताने जा रही हूँ। इसके लिए हमें चाहिए दो गांठ गोभी। मैंने पील करके छोटे टुकड़ों में काट के रखा है। तड़के के लिए चाहिए हमें 1 टीस्पून लहसुन कटा हुआ, 2 साबुत लाल मिर्च और चुटकी भर हींग। 2 टमाटर लिया है, उसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट के रखा है। टमाटर मैंने मीडियम साइज़ का लिया हुआ है। 1 अनियन मीडियम साइज़ का, उसको भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट के रखा है। 1 टीस्पून लिया है ऑयल, 1 टीस्पून लिया है हल्दी, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने ज़ीरा पाउडर, 2 टेबल स्पून लिया है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून लिया है नमक, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून लिया है मैंने पिसी हुई लाल मिर्च। हमने एक कढ़ाई लिया, कढ़ाई में हम 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने पर अब हम इसमें तड़के में डाल रहे हैं हींग, हींग डाल के हमें एक बार चलाना है इसे। अब हम डाल रहे हैं इसमें कटा हुआ लहसुन। साबुत लाल मिर्च डाला मैंने 2। सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से भूनना है। अब हम इसमें डाल रहे हैं कटा हुआ प्याज। प्याज को हमने अच्छी तरह से भूनना है। अब हम डाल रहे हैं इसमें हल्दी। सभी मसालों को हम डालेंगे। हल्दी डाल के हमें इसे चलाना है। ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और पीसी हुई लाल मिर्च अच्छी तरह से भूनना है हमें। देखिए मसाला भून चुका है। अब हमने डाला इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद हमें इसे भूनना है अच्छी तरह से। अब हम डालेंगे इसमें कटा हुआ टमाटर। टमाटर को भी हमने अच्छी तरह से भूनना है। नमक डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक मैंने रॉक सॉल्ट लिया हुआ है।
थोड़ा सा पानी डाला हमने, थोड़ा सा और डालेंगे। अब हम डाल रहे हैं इसमें कटा हुआ गांठ गोभी। गांठ गोभी को हमने अच्छी तरह से मसालों में मिक्स करना है। थोड़ी देर इसे हम भूनेंगे। भून जाने पर हम इसे डालेंगे कुकर में। अब हम डाल रहे हैं इसमें पानी। पानी हमने 2 कप डालना है। कुकर में डाल के 5 से 7 मिनट हमने इसमें पकाना है। देखिए मैंने इसे सर्व कर दिया है। आप भी इसे घर में ज़रूर बना के देखिए। ये बहुत सिंपल रेसिपी है। अब मैं इसे ब्राउन राइस के साथ सर्व करूंगी। मैंने इसे ब्राउन राइस के साथ सर्व किया है। साथ में मैंने प्रोटीन लड्डू भी रखा है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। और बेल आइकन भी ज़रूर बजाइए, जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए।